भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव शीघ्र होने वाला है और इसमें जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा राष्ट्र की जनता कांग्रेस का समर्थन करेगी, क्योंकि यह माना जा रहा है कि कांग्रेस में सामान्य से सामान्य आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव लड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और कांग्रेस और राष्ट्र के लिए यह आवश्यक भी है। इस बार सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस में एक ओपन पोल होगा और ओपन पोल के जरिए एक प्रेसिडेंट चुना जाएगा कांग्रेस का, और इसके लिए तीन लोगों ने जो नामांकन किए हैं वे बिल्कुल भी तो निश्चित है कि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं होगा। इसका फायदा कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के या विपक्ष के लोगों के पास केवल एक ही मुद्दा होता है कि कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है, तो इससे विपक्ष को एक जवाब मिल जाएगा। और दूसरा कि जो तीनों नेता हैं इसमें जिन्होंने नामांकन किया है, तीनों बहुत काबिल हैं, तीनों ही बड़े धुरंधर नेता माने जा सकते हैं। देखिए, आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो प्रश्न है या कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन का जो प्रश्न है, वो आज पूरे हिंदुस्तान की निगाहें उस पर लगी है, क्योंकि जब से कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी तब से लेकर आज 2022 तक मुझे लगता है कि गिने चुने अवसर ही ऐसा रहा होगा कि जब किसी कांग्रेस के नेता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कोशिश की, लेकिन आज कांग्रेस में विद्रोह पैदा हो चुका है और आज इतिहास में पहली बार तीन तीन नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की दावेदारी की है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि कांग्रेस तितर बितर हो सकती है, ठीक है, ये विपक्ष वाले कह रहे होंगे या कोई भी कह रहे होंगे, मैं इसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी से हूँ ना मैं कांग्रेस से हूँ, ठीक है। एज ये एक नागरिक होने के नाते मेरा कहना यही है, ठीक है, पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकता हूँ कि कांग्रेस तितर बितर होगी, ठीक है, कौन क्या बोलता है मीडिया में, ठीक है, किसकी बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक, मीडिया ने अभी बोल दिया कि ये हो गया वो हट गया, कांग्रेस में कोई है ही नहीं, ठीक है, एक ही पार्टी से ही काम नहीं चलता, विपक्ष का तो बोलना ही है, उनका काम ही है। तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं एनर्जेटिक और एजुकेटेड की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मेरा अपना जो पक्ष है या जैसे मुझे लगता है कि शशि थरूर बेस्ट ऑप्शन है और वेल एजुकेटेड भी हैं और यंग भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, तो यही क्या है कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे हो सकते हैं। देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव कर रही है, ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते। देश को ज़रूरत है नव युवाओं की, देश को ज़रूरत है यंग लोगों की, इसलिए युवाओं को आगे आकर के ऐसे व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो दौड़ सकता है, भाग सकता है। राहुल जी पदयात्रा निकाल रहे हैं, ऐसा व्यक्ति हो जो पैदल सड़क पर चल सके, उस व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। बुजुर्ग लोगों को बैठ करके सेवा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, दिशा निर्देश देने चाहिए। इसमें कहना क्या है, लेकिन इसमें तिफरका तो पहले ही पड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये भी मोदी जी की देन है, मोदी जी ने इस बात को उन्हें उजागर कराया कि आप कुछ बदली अपने आप को, तो बदल पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कुछ हो पाएगा जब तक मोदी जी का बहुमत है। उसके बाद जब उनके काम करने की क्षमता है उनके मुकाबले, कितना ही कुछ बदलने लगता नहीं हमें कि कुछ कर। कुछ ना, बेकार है सब, बकवास है। ये अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहे हैं तो ये आपस में अपनी बात करें, आपस में मीटिंग करें। जो कांग्रेस नेता है ये टीवी पर चैनलों पर दिखा रहे हैं, उससे क्या लाभ हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है? अगर कांग्रेस में कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है तो क्या लगता है आपको कांग्रेस में कोई जान पड़ेगी? कुछ नहीं जान पड़ेगी, किस तरह कोई जान नहीं पड़ेगी, बेकार है, पट्टे। युवा नेताओं को मौका देना चाहिए, नई युवा नेताओं को जो हैं वो मेहनत भी करेंगे और युवाओं के लिए लायक और भी पसंद करेंगे, जो नए के लिए परिवारवाद चल रहा है इसमें उनके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा। अब तो किसी को भी बना लें ये अध्यक्ष, अब तो ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, क्या कहेंगे आप, अध्यक्ष कौन होना चाहिए? अध्यक्ष तो अब इसमें तो परिवारवाद चल रहा है,
इसमें तो परिवारवाद चल रहा है, ये तो पार्टी बिल्कुल बेकार हो गई है। अगर कोई मतलब ये नया ही अध्यक्ष चुना जाए तो शायद कुछ थोड़ी उभर जाए। क्या कहेंगे, वो तो अब कांग्रेस तो ख़त्म सी है, अब चुनाव कांग्रेस में अब किसी भी बनावे तो कामयाब थोड़ी ही, वो तो ख़त्म सी सरकार है भैया। कांग्रेस तो ख़त्म ही है, कांग्रेस का वजूद है नहीं कहीं पर भी, किसी भी विपक्ष में किसी भी जगह वो नहीं दिखाई दे रही है ही नहीं कहीं भी, ना कोई उसका प्रत्याशी दिख रहा है, ना कोई कैंडिडेट दिख रहा है। चुनावी मौसम आता है, ये लोग दिखाई दे जाते हैं, उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। उसमें कुछ भी नहीं होने का, ना ही कोई राष्ट्रपति को बनाया, ना ही इनके कुछ जान है इनमें, ऐसी कोई वो नहीं है। ऐसा क्यों मानते हैं? कांग्रेस का कोई काम वो नहीं है, कोई काम ही नहीं करा था कांग्रेस ने, इसलिए मतलब कांग्रेस को कामयाबी नहीं है। क्या मानते हैं, अभी कांग्रेस में कोई नया अध्यक्ष आता है तो क्या कांग्रेस में कुछ जान आएगी? कोई जान नहीं आएगी कांग्रेस में, नहीं मुझे तो सही लगता नहीं। ऐसा नहीं, काफ़ी टाइम से मतलब कांग्रेस आई नहीं है क्या वैसे? हाँ, इस वजह से नहीं लगता। अच्छा, कांग्रेस में जिस तरह से लगातार परिवारवाद चला आ रहा है, ये कि सोनिया गांधी जी लगातार अध्यक्ष पद पर चुनी जा रही है, तो क्या लगता है कि नया कोई अगर पार्टी में अध्यक्ष बनेगा तो कांग्रेस में कुछ जान आएगी या कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ेगा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्योंकि वो तो चल ही रहा है परिवार में, बहुत साल से चल रहा है, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए ना, कि उसके हिसाब से अगर परिवार से बाहर कोई बनता है तो मेरे ख्याल है कि कांग्रेस के लिए अच्छा रहेगा। मेरी राय तो यही है।